दोस्तों, जब से बॉलीवुड की दो बड़ी बड़ी फिल्मों का अनाउंसमेंट हुआ है, एक तरफ राधे तो एक तरफ सूर्यवंशी, तब से ही बॉलीवुड वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, साथ ही साथ थिएटर्स के ओनर्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। जी हाँ, अक्षय कुमार और सलमान खान ने ये ठान लिया है कि अब जो है पब्लिक को वापस से सिनेमाघर की ओर खींचना है तो खींचना है भैया, ये ठान लिया है अक्षय कुमार और सलमान खान ने। अब ऐसे में दोस्तों, सूर्यवंशी फिल्म रिलीज़ की जाने वाली है 30 अप्रैल को, वहीं उसके कुछ ही टाइम बाद, एक दो हफ्ते बाद ही रिलीज़ हो जाएगी राधे फिल्म। अब ऐसे में दोस्तों, सलमान खान की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे और अक्षय कुमार की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी, जब दोनों एक साथ रिलीज़ होंगी थिएटर्स में तो तहलका तो मचना ही है। और एक बार फिर से थिएटर्स के गलियारों में फिर से आवाज़ें और सीटियाँ बजनी तो जाहिर सी बात है। आपको बताते चले दोस्तों कि बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था इस टाइम पे, यानी कि 2020 से ही, और 2021 में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि अक्षय कुमार और सलमान खान एक साथ डंका बजा के आ रहे हैं थिएटर्स के अंदर। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों कि राधे फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं बनी हुई थी और फिल्म की स्क्रीन्स भी काफ़ी ज़्यादा खाली खाली जा रहे हैं, तो ऐसे में जितने सिनेमाघर खुल रहे हैं यानी कि 60-65% उतना तो कैप्चर सूर्यवंशी फिल्म और जो सलमान खान की फिल्म राधे, ये दोनों मिलकर आराम से कर लेगी और एक बार फिर से बॉलीवुड इंडस्ट्री में तहलका मच जाएगा। दोस्तों, आपको बताते चले कि सलमान खान की फिल्म जो राधे है, इसको 100 करोड़ से ज़्यादा बजट में बनाया गया है और सूर्यवंशी फिल्म भी 100 करोड़ से ज़्यादा बजट में है, तो जाहिर सी बात है अगर गलती से भी फिल्मों को थोड़ा सा भी नुकसान हो जाता है, यानी कि पब्लिक सिनेमाघर में नहीं जाती है, तो बहुत बुरा घाटा हो सकता है फिल्मों को। लेकिन उम्मीद तो ऐसी ही है कि फैंस जो है अक्षय कुमार के और सलमान खान के, उनको निराशा नहीं करेंगे अपने एक्टर्स को। अब ऐसे में दोस्तों, देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार पब्लिक का क्या मानना है और क्या सोचना है। वैसे मेरे हिसाब से तो एक बार फिर से जब भी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज़ होंगी तो ऑटोमेटिक बॉलीवुड एक बार फिर से अपने अपर लेवल में आ जाएगा। अब दोस्तों, इस बारे में आपका क्या है सोचना और आपका क्या है मानना, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर दोस्तों टॉप ओपन फैक्ट्स, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ऐसी ही मिलती रहें। धन्यवाद।